जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, रोज की तरह एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे 4 नवंबर 2017 के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। अंग्रेजी तारीख 4 नवंबर 2017, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है कार्तिक का, या यूं कह लें कि आज अंतिम तिथि है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है सिद्ध और करण है बव। अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और इसी तिथि में पुष्कर स्नान और तीर्थों में स्नान का बड़ा महात्म है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यूं तो दिन सामान्य बीतने वाला है, लेकिन अगर बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, उत्तेजना या तनाव आपने लिया तो कुछ अप्रिय घटनाओं से भी सामना हो सकता है, तो बहुत संभल करके दिन बिताइए। माँ लक्ष्मी को दूध से निर्मित नैवेद्य का यानी मिष्ठान का, मिठाई का भोग लगाना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए, आपके लिए शुभ रंग बनता है भूरा और शुभ अंक बनता है 3। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज थोड़ा सा आपसे कुछ इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है, कुछ अवयस्कतापूर्ण व्यवहार हो सकता है, कुछ लापरवाही, कुछ कमियां आपके कार्य क्षेत्र में रह सकती हैं, जिसके चलते आपको आगे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो लापरवाही करने से बचिए, पूरे ध्यान से काम करिए। आज कूर्म पृष्ठ पर बने हुए श्रीयंत्र की पूजा स्थापना करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है नीला। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में बढ़ती हुई जिम्मेदारी समयानुकूल पूर्ति पर के लिए मन पर दबाव बनाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए, जिसको एक टाइम के अंदर, एक तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए दबाव बने, ऐसे योग बनते हैं। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय आप न करें, आपके लिए शुभंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है पीला। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कुछ गलत काम के लिए लालच प्रलोभन दिया जा सकता है, तो इस प्रकार के अनैतिक कार्यों से, इलीगल काम से आपको बचना चाहिए। हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें और गणेश जी की पूजा आराधना करें। वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में न खोएं, आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है सफेद। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ अप्रिय बातों से संबंध में कटुता आने की संभावना दिखती है, परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। महादेव की पूजा आराधना करिए, गाय को सरसों का तेल लगा करके रोटी खिलाइए और ऐसा कोई भी काम न करें जिससे बड़े बुजुर्गों के दिल को, उनकी भावना को ठेस पहुंचे, आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है नीला। कन्या राशि। शिक्षार्थियों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, अपने व्यवहार कुशलता से संबंध में आप प्रगाढ़ता ला पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वट वृक्ष के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके उस पर साबुत चावल और एक सुपारी रख करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में आप समर्पित करें। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ आप विदा न करें, आपके लिए शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है काला। तुला राशि।
भौतिक सुख साधनों की पूर्ति में अत्यधिक व्यय के योग आज बन रहे हैं, तो अपने खर्चों में आपको ध्यान रखना चाहिए। धनदा यंत्र की स्थापना करके अगर आप दर्शन और पूजन नियमित रूप से करेंगे तो आपको आशातीत सफलता और लाभ मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ न छोड़ें। आपके लिए शुभ अंक बनता है एक और शुभ रंग बनता है गुलाबी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, आज मेहनत करने से सफलता मिलेगी और दिन के उत्तरार्ध में अचानक कोई सुखद समाचार मिल जाए जिससे संतुष्टि प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सम्मुख ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप यानी एक माला जाप करना चाहिए। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है दो और शुभ रंग बनता है बैंगनी। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए इस दौरान नए दायित्वों की वृद्धि से मन उसके प्रति चिंतित हो सकता है। आपको कोई नई जिम्मेदारी दे दी जाए जिसको लेकर के थोड़ा सा आप डाउटफुल रहें, थोड़ा सा परेशान रहें कि कैसे करना है। चांदी का चंद्र यंत्र तथा मंगल यंत्र बना करके घर के पूजा स्थान में स्थापित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है नौ और शुभ रंग बनता है आसमानी। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कई लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। कुछ नई शंकाएं पुराने संबंधों में कटुता पैदा करें, ऐसे योग भी बनते हैं। ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ करिए, क्रोध मत करिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है चार और शुभ रंग बनता है केसरिया। कुंभ। परिवार में किसी श्रेष्ठ जन के अस्वस्थता संभव दिखाई देती है। प्रयासरत रहने से व्यापारिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। पक्षियों को गुड़ के साथ सतंजा डालें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भाई से वाद विवाद न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है सात और शुभ रंग बनता है चमकीला। मीन राशि। सुंदर संभावनाएं मन में नए उमंग का संचार करेंगी। अच्छी योजनाओं द्वारा सफलता के योग आपके लिए बनते हैं। मछलियों को मिश्री युक्त उबले चावल खिलाएं। देवी दुर्गा की पूजा आराधना करें। दुर्गा चालीसा का पाठ आज करें। तनाव लेने से बचें। आपके लिए शुभ अंक बनता है पांच और शुभ रंग बनता है नारंगी। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। कार्यक्रम के आरंभ में हम लोगों ने जाना कि दिन कैसा बीतेगा, दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के महा उपाय की। आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेम विवाह में सफल होने के लिए लाल किताब का एक बहुत ही सिद्ध, बहुत ही चमत्कारी टोटका। अगर किसी व्यक्ति के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यानी बॉय हो या गर्ल हो, कन्या हो या लड़का हो, उनके प्रेम विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को यानी अमावस्या के बाद का जो थर्सडे होगा, अक्सर लोग कमेंट करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, आपने ये तो नहीं बताया क्या होता है। मुझे तो हैरानी होती है कि इतनी छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ती हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि अमावस्या के बाद जो पक्ष शुरू होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी पहले गुरुवार को से शुरू करके विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज तीन माला जाप यानी 108 108 108 तीन बार आपको जाप करना है स्फटिक की माला पर। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही आरंभ करना चाहिए। तीन महीने तक लगातार हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें तो ईश्वर की कृपा से अगर आप अपनी जगह दोनों ठीक हैं, आपका मामला बिल्कुल जायज़ है, तो 90 दिन के अंदर यानी तीन महीने के अंदर आपको चमत्कार दिखने लगेगा। इस उपाय में किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आज तक बहुत सारे प्रेमी युगलों को, प्रेमी जोड़ों को मैंने ये उपाय बताया, लव मैरिज के लिए या इंटरकास्ट मैरिज के लिए, उनको इसमें सफलता अवश्य मिली है। अगर आप अपनी जगह एकदम सही हैं, आपका केस अगर एकदम जेन्युइन है, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखें तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम
आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।